सो हेलो बैक टू अनदर वीडियो। और आज आ चुके हैं हम एक और अपने बहुत ही खतरनाक गेम प्लेयर के साथ वापस। और इस गेम प्ले में हमारे हो जाते पूरे के पूरे 17 किल्स, और में टीममेट के मिला के 22 किल हो जाते हैं हम सब के। तो यार इस गेम प्ले में हम उधर थे पोचिंग गेम में, और पोचिंग के जितने भी बंदे आए तो पहले उन्हें मारते फिर चलते कहीं और। और यार अगर आपको गेम प्ले पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो ऐसा करते हैं, अब जल्दी आके बंदे पेलते हैं और अपने टीममेट को एक गन देते हैं क्योंकि उस पर गन नहीं है और बंदे कर रहे हो उस पर रश। आ गया मेरी छत पे मेरे। अच्छा तू है क्या? गन देना। ओ गंदे। तो ये तो था एक बॉट। अब अपडेट के बाद आपने देखा होगा कि मतलब जिन जिन का लो एंड डिवाइस है उनका कितना ज़्यादा लैग हो रहा है, और मेरा भी भाई साहब अब काफ़ी ज़्यादा लैग होने लग गया। वैसे ही 30 FPS मोबाइल है, मतलब मोबाइल तो 60 FPS हर्ट्ज का है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, पर लेकिन यार पबजी में 30 FPS ही आते हैं और यार मतलब इतना सही नहीं चल पाता। तो यार अब देखो, अब इस घर में आता तो मुझे मिलती है UMP, और UMP मिलने का मैं सीधा बंदों को रश कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने टीममेट को M16 देता हूँ। यार थोड़ी तो हेल्प मिलेगी M16 देने के बाद। तो अब जल्दी से रश कर देते क्योंकि एक बंदे के आ गए हैं मुझे फुटस्टेप। रुक जा भी, रुक जा, मैं नेड कर रहा। मैंने नेड कर दिया। अगर इस बंदे के सामने मैं जिगल मूवमेंट नहीं देता तो यार मैं मर जाती क्योंकि M16 यार काफ़ी सही चला रहा था, और जैसे ही मैंने जिगल दिया तो इसका एम थोड़ा मतलब गड़बड़ा गया और यार मार नहीं जाता। अब ये बंदा अगर थोड़ा और आगे आ जाता तो इसको AKM मिल जाती जिससे मुझे मार देता, पर अफसोस कि आगे नहीं आ पाया तब तक मैं आ गया था और मैंने इसे मार दिया। अब चलते हैं हम दूसरे बंदों की तरफ क्योंकि वहाँ पर उनकी फ़ाइट चल रही है और दूसरे फाइट में अब हम भी घुसते हैं। अब मैं इधर आ जाता हूँ पोचिंग के एंड में, या कह सकते पोचिंग के कोने में आ जाता हूँ मैं, और देखो यहाँ पर होती है पूरी की पूरी स्क्वाड। तो अब मैं यहाँ पर पुश कर सकता था उन बंदों पर, मैं करता नहीं क्योंकि यार टीममेट का आने का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉक हो जाऊँ तो थोड़ी तो मतलब वो मार दे बंदे को यार मैं तो रिवाइव हो ही जाऊँगा ना आराम से। तो मैं टीममेट का आने का वेट करता हूँ, और इस बंदे को मैं नॉक कर सकता था पर मैं नॉक नहीं करता क्योंकि यार अगर अभी फायर कर देता तो उन बंदों को हमारी पोजीशन पता चल जाती है और उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता हमारे बारे में कि हम आ गए। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ उस बंदे पे पुश जो यहाँ पे मुझे दिखा था, और पहले मैं तो पुश नहीं करता, मैं सिंपली इस घर में जाता हूँ और अपने फुटस्टेप देता हूँ, फिर वो खुद रश कर देता है। अबे जल्दी आना, जल्दी आ, जल्दी रस कर रहा है वो, जल्दी आ। सब मैच तो लूट कर रहा पागल। अब इस कोड के 3 बंदे तो मैं मार देता हूँ, और जो आखिरी बंदा होता है वो मुझे 1 HP का छोड़ देता है, और सारी उम्मीद थी मेरे टीममेट के ऊपर जब तक मैं फर्स्ट एड नहीं लगा लेता। तो जब तक मैं फर्स्ट एड लगाऊँ तब तक तो मेरे टीममेट उसे मार देता है ईजिली। तो अब जल्दी से यहाँ पर लूट करते हैं और चलते हैं और बंदे ढूंढने पोचिंग, क्योंकि पोचिंग में होते हैं कैंप और कहाँ से निकल जाए कुछ नहीं पता। तो अब बीच जब हम यहाँ पे लूट कर रहे होते तभी बीच वाले कंपाउंड से होते हैं फायर, तो हम जल्दी से उधर पुश करते हैं, और जाते जाते मैं 2 बोट भी मार देता हूँ। तो अब मैं जब इस घर में आता हूँ मुझे सामने से आ जाते हैं फुटस्टेप, और मुझे पता था कि बंदा उस घर में ही है, भले कैम्प कर रहा था मुझे पहले फुटस्टेप आ गया तो मुझे पता था। तो अब मैं सावधानी से जाने वाला था क्योंकि बंदा नहीं दे रहा था फुटस्टेप, और यार बहुत गंदा कैंपर होते हैं ऐसे। तो मैं जल्दी TPP लेता हूँ सीढ़ियों पर, देखो ये बंदा आराम से कोने में बैठा हुआ, उसका कुछ नहीं पता जिंदगी में क्या चल रहा है, बस कोने में बैठ चुका है। अब मैं टीममेट को बुलाता हूँ और थोड़े मज़े लेता हूँ, फिर इसे नेड़ से फोड़ देता हूँ और फिर चले जाते हैं कहीं और। ओ भाई स्कैम स्कैम भाई स्कैम। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। तो पागल
तो अब आ जाते हैं हम रोजोक की पहाड़ी पे बंदे ढूंढने पर। लेकिन रोजोक की पहाड़ी से हमें एक भी बंदा नहीं दिखता पर, लेकिन तभी रोजोक में से होता है फायर और मैं सीधा कर देता हूँ बंदों के ऊपर रश, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो एक किल्सन मिलने वाले। तो मैं जल्दी से गाड़ी उठाता हूँ और सीधा रश कर देता हूँ एकदम रोजोक के पीछे की तरफ पहाड़ी पर। हम उन पर चलाएंगे क्या? किले जा रहा है अब इस बंदे को तो हम मार देते हैं पर, लेकिन अभी भी ये नोक हुआ था तो इसका मतलब इसके टीममेट आसपास ही हो सकते हैं, तो सावधानी रहना पड़ेगा। और सावधान क्यों, हम तो सीधा रश कर रहे हैं। तो मैं जब स्कोर हाउस में जाके पहले चेक करता हूँ क्योंकि क्या पता है स्कोर हाउस में कोई कैम्प कर रहा हो, पर स्कोर हाउस में कोई होता नहीं। फिर दिख जाता है मुझे एक बंदा जिसको मैं स्कारल से नोक कर देता हूँ। अबे यहाँ इस पाथ पे लूट पड़ने लगे तो सैम को रोल मिल जा रहे हैं। स्पारल से काम खुल गए। अबे तू ही ले दाखिल। अब रोजोक में जितने भी बंदे थे उसको तो उन सबको मैं मार देता हूँ। अब उसके बाद मैं सेवर्नी में आता हूँ क्योंकि सेवर्नी के पास होता है एक ड्रॉप, उसको लूटने और ड्रॉप के पास जाता हूँ। मुझे पता चलता है कि जो ड्रॉप है वो लूटेड है, तो जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और फिर जाता हूँ दूसरे ड्रॉप की तरफ। और तभी एक स्क्वाड हम पे कर देता है रश। लूटेड मैंने कैंप करके मारा था एक दिन। ओए 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 और पूरी गाड़ी है, रोक यहीं पे रोक। मैं तू पागल है क्या? ये स्कोर जितनी तेजी में आती उतनी तेजी में ही हम इन्हें लॉबी में भेज देते हैं। और मतलब भाई इनकी गाड़ी कितनी गंदी तरह पलटी थी इधर आके, इसलिए मतलब इनकी एक गोली टच नहीं हो पाती। तो देखो अब जब इस बंदे को मारने के बाद ऊपर आ जाती है यूए सामने वाले घरों की तरफ, अब वहाँ पे पुश करना, तो जल्दी से मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ और कर दे तो उधर रश। वॉच आउट। इधर तो बस सिर्फ दो बंदे होते हैं और मतलब इस वजह से बस मुझे एक ही किल मिलती है। दो बंदों में से एक तो मेरे टीममेट मार देता है। अब मेरा टारगेट था 20 किल करने का, 20 किल तो हो नहीं पाते, सिर्फ 17 किल होती है। अब बस बचे 6 बंदे, अगर 6 के 6 को मैं मार देता तो 20 किल हो ही जाती पर नहीं हो पाती। तो अब देखो अब यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, जैसे जोन बनता है तो सेवर्नी में बस एक कंपाउंड बचा होता है, तो उधर हम टीममेट और मैं रुकने चले जाते हैं। क्योंकि यार अगर उधर रुकते तो ज़्यादा एडवांटेज हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास होता है कवर। पर यार किस्मत साथ नहीं देती, अब जोन कहीं और का बन जाता है और हमें गाड़ी लेके उधर ही जाना पड़ता है। मैं और मेरे टीममेट आ जाते हैं जोन में वापस, और जोन के अंदर आने के बाद हम इधर इस पत्थर पर रुकते हैं क्योंकि सबसे ऊंची जगह थी पूरे जोन में। तो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है और देखो मैं उसे क्या ही मारता हूँ। कहाँ पे बताइयो? फिनिश कर रहा हूँ पूरा। अबे तू गोली वेस्ट मत कर। ये बंदे इतने दूर से M249 चलाने की कोशिश कर रहा था मुझे मारने के लिए, पर अफसोस उसकी एक भी गोली टच नहीं हो पाती। तो देखो अब यहाँ पर जो था एक बंदा ही दिखता है हमें पर, लेकिन तभी बहुत दूर हमें गिल सूट वाले बंदा मिल जाता है, दिख जाता है यानी कि। और देखो अब सबसे ऊंची जगह पर रहने का यही फायदा है कि सारे बंदे आराम से स्पॉट हो जाते हैं। तो इस बंदे को तो हम स्पॉट कर लेते हैं और मैं M4 से कोशिश करता हूँ मारने की, पर ज़्यादा अच्छा स्प्रे नहीं है, एक भी गोली टच नहीं हो पाती। और एमओ में पे मतलब मैं बर्बाद कर रहा था, एमओ की बर्बादी बहुत हो रही थी इस गेम प्ले में मेरे में। तो देखो अब जो मेरा टीममेट होता है वो कार 98 थी, उस पर स्नाइपर, तो इतनी दूर से वो आराम से एक बंदा नोक कर सकता था। और उसने कार 98 से एक बंदा नोक भी करता है
फिर हम कर देते हैं सीधा रश। रुक जा, अभी नहीं रुक जा, फिनिश करने दे। चल 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 चल, भाग 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 भाग, वहां पे है देखो रहा, स्मोक स्मोक स्मोक, बिल्कुल अंदर से गाड़ी निकाल दी है, अंदर से गाड़ी निकाल दे वो रहा बंदा, यहीं पे रोक दे। किल चोरी कर दिया मेरा, इधर एक बंदा अपने एक ही मिनट से दो बंदों को नॉक कर देता है, नॉक कर देता है, फिनिश नहीं करता। तो उसमें से एक बंदा मेरी टीममेट ने कहा नेड से पहले ही नॉक कर रखा था, तो वो रिवाइव हो जाता हो गया था, और अब वो नेड कर देता है ये बंदा जिसको अभी अभी मारा, और दो बंदों को नॉक कर देता है। अब एक बंदा और फिनिश हो गया, तो लास्ट के दो ही बंदे बचे हैं। अब गेम खेलते हुए मुझे पता नहीं था कि जो लास्ट के दोनों बंदे वो उसी पत्थर के पीछे है। मैं तो सोच रहा था वो कहीं हो रहा है, और मैं गाड़ी घुमाने लग जाता हूँ और दिखता है तो दोनों बंदे पत्थर के पीछे रहते हैं। कहा? ओ नूबड़े नहीं आए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नेट कर नेट, बहुत अच्छे, रस 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 जोन में चला गया वो। ओपी तो हो चुका है हमारा विनर विनर चिकन डिनर 17 किल के साथ। तो अभी तो गोल्ड वन ही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। अब गोल्ड वन इसलिए क्योंकि नया सीजन आया है, सीजन 15 आया नया नया, और काफ़ी बकवास सीजन है। मतलब सही में इसमें जो रॉयल पास सेट आया ना बहुत ही बेकार है, और मैंने अपनी यूसी कब की उड़ा दी पबजी बैन के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।